हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला काफ़ी बड़ी एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन बिल्कुल न्यू और एकदम जेन्युइन एप्लीकेशन है। काफ़ी अच्छा जो पैसे ये एप्लीकेशन दे रही है, तो एप्लीकेशन जो मिनिमम एक 10 दिन के आसपास जो ये एप्लीकेशन चलेगी। तो एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना, अर्निंग कैसे करनी, पूरा मैं बताऊँगा वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। उससे पहले कहना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जो सब्सक्राइब करो, रेड कलर के सब्सक्राइब पर सिंपली क्लिक करो और बगल में जो इसके सब्सक्राइब करते ही बगल में एक बेल कुछ शो करेगी, उसको सिंपली दबाना मत भूलना। इससे ये फायदा होगा, जब भी आपके लिए हम कोई भी नई वीडियो लाते हैं आप जो है सबसे पहले उस वीडियो को देख पाओगे। तो यहाँ पर अभी जो हमें कोई भी बेल शो नहीं करती है, सिंपली जो तो बेल जैसे ही आपकी जो सब्सक्राइब पर क्लिक करोगे तो आपकी बगल में एक बेल आएगी, उसको ऑन कर देना। ठीक है, तो सिंपली जो वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, तो सिंपली आपको ऊपर एक लाइक का बटन मिलेगा, सिंपली उस पर लाइक पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो लाइक पे क्लिक करने के साथ जो आपको नीचे आके जो अपना कमेंट कर देना कुछ भी अच्छा से एप्लीकेशन के ऊपर कि आपको एप्लीकेशन कैसी लगी, अपना जो कमेंट यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए मेरा सब्सक्राइब भी नहीं हुआ तो मैं सिंपली फिर से जो सब्सक्राइब पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों सब्सक्राइब के साथ बगल में बेल आती है, उसको दबाना मत भूलने। देखिए बेल आ गई, सिंपली उसको प्रेस कर देना और सिंपली बटन आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा ब्लू कर देना ब्लैक को। और सिंपली जैसे वीडियो के टाइटल में क्लिक करते हो, स्कूल डिग्री ऐप वाले अन पेटीएम कैसे वीडियो के टाइटल पर क्लिक करते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा जहाँ से जो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो उसके नीचे जो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप जॉइन होकर न्यू न्यू एप्लीकेशन ऑफर को लूट सकते हो। तो अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट जाओ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों। मैंने सिंपली एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जो है कुछ इस प्रकार का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको नीचे दिखेगा लॉग इन विद जीमेल का ऑप्शन। सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक कर दोगे आपको यहाँ पे कुछ देर के लिए जो है आपकी जो भी लोडिंग लेगा उसके बाद जो आपका जो भी ईमेल आईडी शो करेगा सिंपली किसी भी एक ईमेल आईडी पे आपको क्लिक करके जो अपने एप्लीकेशन में जो लॉगिन हो जाना है। ठीक है, तो लॉगिन ऐसे नहीं होगा, फिर उसके बाद जो है आपको अपना पेटीएम को मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, उसके नीचे जो आपको रेफर कोड डालना पड़ेगा और सिंपली जो नीचे टिक पे क्लिक कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली जो सबमिट कर देना होगा। तो मैं सिंपली आपको दिखाऊंगा वीडियो में, वीडियो के अंत तक देखते रहते क्योंकि थोड़ा कनेक्शन थोड़ा स्लो है तो इस कारण जो लोडिंग होने में समय ले रहा है। तो सिंपली मेरे को ये जो ऑप्शन मिल चुका है तो मैं सिंपली किसी भी एक जीमेल आईडी पे सिंपली क्लिक करके जो एप्लीकेशन में जो है लॉगिन हो जाऊंगा। ठीक है, तो मैं सिंपली किसी भी एक जीमेल आईडी पे जो क्लिक कर दिया और जो है लोडिंग यहाँ थोड़ा ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद जो आपका यहाँ पर आ जाएगा पेटीएम मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन और रेफर कोड डालने का ऑप्शन। तो आपका रेफर कोड जो डालना है साइड में आपका रेफर कोड दिख रहा होगा, सिंपली वही रेफर कोड आपको यहाँ डालना है। तो सबसे पहले जो अपना पेटीएम मोबाइल में यहाँ पर डाल देना। ठीक है, तो ध्यान ये देना है तो पेटीएम मोबाइल में होना चाहिए, उसके नीचे रेफर कोड आपको क्या डालना है तो साइड में आपको एक रेफर कोड दिख रहा है सिंपली वही डालना है। ठीक है, तो सिंपली टिक पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना और एप्लीकेशन में जो हो जाओगे आप लॉगिन। तो सिंपली एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुका। ऊपर तीन लाइन में क्लिक करने के बाद, तीन डॉट में क्लिक करने के बाद आपको सिंपली टास्क के ऑप्शन पर आना है। कोई भी आपको कोई भी जो टास्क ओपन कर लेना है, तो मैं फर्स्ट जो ओपन करूँगा तो सिंपली एप्लीकेशन में कोई ऐड की प्रॉब्लम नहीं, आप देख रहे होंगे तुरंत ही जो मेरे को ऐड यहाँ पे शो कर दिए बैनर ऐड। तो इस एप्लीकेशन से पता चलता है एप्लीकेशन में कोई बैनर ऐड की कमी नहीं है। तो मेरे को सिंपली 10 इंप्रेशन के आसपास मिला है, 1 क्लिक मिला है और 0 डाउनलोडिंग मिला है। तो इंप्रेशन कैसे कंप्लीट करना है, सिंपली आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। क्लिक जैसे कर दोगे तो आपको जो भी ऐड आती है उसे क्लोज कर देना है। तो आपको यहाँ पे मिनिमम जो 4 सेकंड की टाइमिंग आपकी चलेगी, 4 सेकंड के बाद जो आपको तुरंत ये बैक कर देगा, बैक करने का जो आपका एक इंप्रेशन बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको तुरंत ही ऑटोमेटिकली जो बैक कर देगा। तो आपको देखिए मेरे को जैसे बैक कर दिया, ऐसे करके जो आपको इंप्रेशन कंप्लीट करना है। और इंस्टॉलर के लिए कैसे कंप्लीट करना है मैं बताऊंगा यार, पूरा वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो का अंत तक देखना। ठीक है, तो अभी आप जो एप्लीकेशन को पूरा अच्छी तरह जो यूज़ इंप्रेशन कंप्लीट कर लिया मेरे पास 1 क्लिक है। तो क्लिक कंप्लीट कैसे करना है, सिंपली मैं स्टार्ट पर फिर क्लिक करूँगा और जैसे क्लिक करूँगा मुझे जो भी ऐड आती है सिंपली मैं उस पर जो बैनर ऐड में जो भी एप्लीकेशन की ऐड आएगी सिंपली मैं उस पर क्लिक कर दूँगा। या एप्लीकेशन की या वेबसाइट की ऐड जो भी ऐड होगी सिंपली को सी पे जो क्लिक करना पड़ेगा, जब जो मेरा जो क्लिक वाला जो कंप्लीट हो पाएगा। अगर आपको इंस्टॉल दिया होता तो आपको इसी बैनर ऐड पर क्लिक करके जो आपको एप्लीकेशन को जो इंस्टॉल करना पड़ता था। सिंपली मेरे को बैनर ऐड यहाँ शो नहीं कर रही, नेट कैसे काफ़ी स्लो रहा है इस कारण। तो मैं ट्राई करके जो क्लिक करके जो बैक करके मैं दिखा देता हूँ कि आपको पता ही होगा बैनर ऐड कैसे होती है, जो जहाँ प्लीज वेट लगा वहीं पर आपको जो कुछ एड्स शो मिलती है। ठीक है, एप्लीकेशन की जैसे ये आपको दिख रही होगी तो उसी को जो बैनर ऐड कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली वही बैनर ऐड पर आपको जो सिंपली क्लिक करना है। तो मैं आप देख लेता हूँ फिर दिखाता हूँ कि मेरा कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। दोस्तों मैं सिंपली जो बैक कर लिया हूँ, देखिए मेरा जो इंप्रेशन जो है कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो। अब जैसे क्लिक पर जो मेरा टिक हो चुका है मैं सिंपली पूरी तरह बैक करूँगा। बैक करने के बाद मैं सिंपली ऊपर तीन लाइन में क्लिक करके पेटीएम का ऑप्शन बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी जो है यहाँ कितनी अर्निंग बनती है। जस्ट मैंने जो एक टास्क आपके सामने जो कंप्लीट किया तो मुझे जो कितनी अर्निंग यहाँ बन जाती है। ठीक है, तो सिंपली मेरे ख्याल से 1 रुपीज़ के आसपास जो है मेरी अर्निंग बनेगी। ठीक है, तो सिंपली देखिए 1 रुपीज़ यहाँ पर भी कोई बैलेंस शो नहीं कर रहा क्योंकि नेट कैसे काफ़ी स्लो है जैसे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो
तो थोड़ा मैं फिर क्लिक करके दिखाता हूँ एक बार। तो सिंपली थोड़ा देर वेट करने के बाद देखिए बैलेंस मेरे शो अभी भी नहीं कर रहा। तो मैं दोस्तों वैसे मेरा बैलेंस मैं बताऊंगा तो आपको 1 रुपीज़ जो मेरा बैलेंस बना होगा यहाँ पे, और मिनिमम रीडिंग की बात कर 6 रुपीज़ पे जो अपना रीडिंग लगा सकते हो वो भी इसके नीचे आपको अमाउंट डालना है और सिंपली ट्रांसफर पे क्लिक कर देना, आपका जो रिक्वेस्ट लग जाएगी इसी नंबर पे, आपका जो सेंड होगा जो यहाँ नंबर दिख रहा है उसी नंबर पे जो आपको पेटीएम मिलेगा, तो आप यहाँ से जो अपना रीडिंग लगा सकते हो। ठीक है, तो सिंपली आप पेटीएम के ऑप्शन पर जाकर अपना रीडिंग भी ले सकते हो और आपका बैलेंस भी जो है यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो मैं सिंपली देख रहा हूँ एक बार करके कि मेरा जो बैलेंस भी दिखा दे, इस तो अभी भी बैलेंस नहीं दिखा रहा तो उसके लिए कोई बात नहीं थी कि स्टॉक का बैलेंस शो कर देगा यहाँ पे। उसमें से अब मैं आपको अगर आप चाहते हो एक्स्ट्रा नहीं करना तो सिंपली आपको ऊपर 3 लाइन में क्लिक करके सिंपली नीचे इनवाइट फ्रेंड का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली अपने दोस्तों को यहाँ से जो इन्वाइट करके भी जो आप अर्निंग कर सकते हो। तो जितने ज़्यादा इन्वाइट करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो भाई यही था यार वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मैं आप सभी के लिए लाते रहता हूँ ऐसी वीडियो। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, गुड बाय।